नमस्कार, मैं हूं हरिओम द्विवेदी और आप देख रहे हैं पत्रिका उत्तर प्रदेश। आज हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रगतिशील कृषक उपेंद्र राय जी, जो गाजीपुर से हैं, और इनसे बारे में तमाम विस्तार से पूरी जानकारी करेंगे। ये मिर्च की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं। सर, कैसे क्या मिर्च की खेती, अगर कोई कोई नया किसान है वो करना चाहता है तो कैसे करें? जैसे मिर्च की चार प्रजातियाँ प्रमुख रूप से हैं हमारे क्षेत्र में। मैं खुद 8 बीघा मिर्च लगवाया हूँ, उसमें इंदू प्रजाति जो है, इंदू प्रजाति की विशेषता ये है कि पौध पर ही हरी मिर्च 2 महीने तक वो हरी ही रह जाएगी। उससे किसान को ये फायदा होता है कि यदि मिर्च का रेट कम हुआ तो पौध पर ही रोक देगा, जितने दिन तक चाहे 15-20 दिन बाद फिर भाव जैसे आए उसके दाम बढ़े वैसे वो बेच सकता है। उसके बाद 51 प्रजाति की विशेषता है, वो इंदू की अपेक्षा 2 गुना पैदावार देता है। हाँ, लेकिन वो लाल होने की दर उसकी जल्दी है, वो 15 दिन से ज़्यादा रोकी नहीं जा सकती। जब वो तैयार हो जाएगी तो उसके बाद 15 दिन से ज़्यादा रोकने पर वो लाल हो जाएगा। यदि लाल मिर्च हो गया तो फिर बंगाली व्यापारी को छोड़कर और कोई व्यापारी लेता नहीं। हरी मिर्च में एक भी लाल मिर्च आ गया बोरे में तो फिर दूसरा व्यापारी उसको लेता नहीं है, वो भाव ही रद्दी का भाव हो जाता है। सिर्फ बंगाली लोग ही लाल मिर्च पसंद करते हैं, जो लाल का छींटा पड़ जाए 2-4 तो वो ले लेंगे, लेकिन और कोई व्यापारी जैसे नेपाल का व्यापारी हुआ, लखनऊ का व्यापारी हुआ, दिल्ली का व्यापारी हुआ, ये लोग नहीं लेते। तीसरी प्रजाति है 7410, ये नई प्रजाति आई है। 7410 की विशेषता ये है कि इसमें पत्तियों में सिकुड़न रोग नहीं लगता। मिर्च की सबसे बड़ी समस्या ये है सिकुड़न रोग। सिकुड़न रोग के लिए किसान को हर 10वें दिन इमिडा का छिड़काव करना पड़ता है। इमिडा दवा है जिसका छिड़काव करने से ही उसको रोका जा सकता है, वरना नहीं रोका जा सकता। और एक बार यदि मिर्च में फफूंद जनित सिकुड़न रोग लग गया तो फिर उसके बाद मिर्च को बचाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए उस रोग को लगने से पहले ही हमेशा सतर्कता के तौर पर इमिडा का छिड़काव होता है। और 7410 में ये सिकुड़न रोग कम लगता है, उसकी विशेषता ये है। 51 से पैदावार 51 के बराबर होगा, लेकिन उसमें दवा का छिड़काव कम होगा तब भी वो सही होगा। तीसरा है 71 की विशेषता ये है कि उसका पैदावार 51 की अपेक्षा ज़्यादा होगा, लेकिन वो 10 दिन से ज़्यादा पौध पर नहीं रोका जा सकता। 10 दिन के बाद ही यदि वो अपने पूर्ण रूप से वो हरा मिर्च तैयार हो गया तो उसके बाद 10 दिन के बाद ही वो लाल होना शुरू हो जाएगा। इसलिए उसको जो है, यदि इंदू प्रजाति को आप एक बार तोड़वाते हैं तो उसको 4 बार में तोड़वाना पड़ेगा। ये चारों प्रजातियों की ये विशेषता है। उसके बाद आप कौन सा यूज़ करते हैं? हम चारों प्रजातियाँ लगाए हैं। अच्छा। 2-2 बीघा करके चारों प्रजातियाँ लगाए हैं, चारों का अलग अलग हो है। जैसे एक यदि मान लीजिए रेट कम हो गया तो फिर हम इंदू को रोक दिए तो, लेकिन 51 और 74 बेचना पड़ेगा, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि यदि उसमें घाटा हुआ तो इंदू हमारा लेके फायदा करा देगा। तो इसलिए किसी भी खेती में समेकित ढंग से और हर प्रजाति का थोड़ा थोड़ा उपयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे तब तो घाटा नाफा करते बराबर तक आ जाएंगे। वरना मिर्च की खेती यदि 2.5 लाख हमारा खर्च है तो मिर्च यदि सही से उतर गई तो 10 लाख तक दे सकती है, लेकिन यदि बोर दी, यदि खराब हो गई, जैसे हमारे ही क्षेत्र में ये इस बार संयोग ही रहा कि 4 दिन पहले हमने बारिश होने से, लास्ट वाली जो बारिश थी 3 दिन बारिश हुई थी, उससे 4 दिन पहले हमने जड़ की मजबूती के लिए एक दवा छिड़कवाया था जिसके कारण कि वो बच गया, नहीं तो पूरा का पूरा लोगों का खेत साफ हो गया है। सिर्फ 5% लोग ही हैं
जिनकी मिर्च की फसल बची है उसमें से मैं भी एक सौभाग्यशाली हूँ जिसका 6 बीघा बचा है, 2 बीघा मेरा भी मिर्च साफ हो गया है। इसका कुछ ऐसा होता है कि बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी या? हाँ, ये काली दोमट मिट्टी जो है, काली दोमट मिट्टी इसके लिए फायदेमंद है, लेकिन बलुई मिट्टी पर ये बारिश भी यदि हुआ तो वो रोक सकता है, लेकिन बलुई मिट्टी पर ये पौधा मजबूत नहीं हो सकता है। इसके लिए काली दोमट मिट्टी ही उपयुक्त मिट्टी है, और इसलिए गाजीपुर के करई बेल्ट बोला जाता है, वहाँ तो भरपूर मात्रा में किसान आज 5 साल से खेती कर रहे हैं, लेकिन मैं पहली दफ़ा मैं हूँ जो कि लखनऊ में रह के भी गाजीपुर में खेती करा रहा हूँ। कैसे संभव हो पा रहा है? ये एक व्यक्ति को रखा हूँ जिसको सुबह मैं बताता हूँ कि ये दवा छिड़काव करना है, इसको ये करना है, शाम को उससे पूछता हूँ क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, उसके बाद फिर वीडियो बनवा के मंगवाता हूँ वहाँ से कि उसके बाद फिर यहाँ से वैज्ञानिकों को भेजता हूँ कि ये इस तरह का पौधा है, इसमें कैसे दवा, वो क्या दवा डाली जाए, उनके बताए अनुसार फिर दवा का प्रयोग करता हूँ। जैसे आप कह रहे हैं कि वैज्ञानिकों को भी भेजते हैं, तो वो उन तक कैसे इजीली पहुँचा जा सकता है? जैसे आम किसान है तो क्या उन तक पहुँचा सकता है वीडियो? कैसे आसानी से पहुँचा जा सकता है? यदि आप कॉन्टेक्ट नंबर, आजकल सब कॉन्टेक्ट नंबर का खेल है, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं यहीं से पूरे जितने मजदूर वर्ग हैं सभी का मैं नंबर रखा हूँ, यदि हमको एक दिन में 40 मजदूर की ज़रूरत होती है तो मैं यहीं से सबको फ़ोन करता हूँ, और मैं पिछली दफ़ा ही अभी 50 मजदूर एक दिन में मैं लगाया था, और 50ों को मैं यहाँ से 100 लोगों को फ़ोन किया तो उसमें से 50 मजदूर मिले, और एक दिन में मैंने 50 मजदूर लगवाए। तो यदि 50 मजदूर यहाँ बैठ के फ़ोन से ही मिल सकते हैं तो वैज्ञानिक, एक वैज्ञानिक क्यों नहीं फ़ोन से मिल सकता है? लेकिन कांटेक्ट नंबर, जैसे मान लीजिए दुकानदारों का है, हर दुकानदार का कांटेक्ट नंबर है मेरे पास, आप किस रेट का दे रहे हो, आप किस रेट का दे रहे हो, उस हिसाब से मैं जिस व्यक्ति को रखा हूँ उसको वहाँ भेजता हूँ, वो जाके वहाँ से दवा लाता है, छिड़काव करता है। अच्छा, इसका बीज कहाँ से मिलता है? बीज दुकान से ही उपलब्ध हो जाता है। कोई खास वैरायटी, मतलब जो आपने 4 वैरायटी बताई, हाँ, वो एक हर दुकान पर इजीली उपलब्ध है? नहीं, 74-10 जो है हर दुकान पर उपलब्ध नहीं रहा, ये अभी नई वैरायटी है, और ये अभी पिछले साल कुछ लोगों ने लगाया था, इस साल लगाया था, 74-10 हमारे ज़िले में सिर्फ एक जगह उपलब्ध रहा, और हर, और तीनों वैरायटी हर जगह उपलब्ध है। तो बाकी इसकी खेती कब करनी चाहिए? इसकी खेती जून जुलाई इसका उपयुक्त मौसम है, जून में इसका बीज पड़ता है, 15 जून के बाद जब 1-2 बारिश हो जाए उसके बाद बीज डालिए, और उसके बाद 1 महीने के बाद इसकी खेत में रुपाई होती है, उसके बाद तो निरंतर प्रतिदिन खेत में कुछ न कुछ करते रहना ही मिर्च की पैदावार होना है। यदि आप थोड़ी भी निष्क्रियता बरते तो फिर मिर्च की खेती बर्बाद हो जाए, यदि सक्रिय रहे तो इससे ज़्यादा फायदेमंद वाली खेती कोई नहीं। अच्छा, आप फायदेमंद बात करें तो 1 बीघे की अगर हम बात करें तो कितना हमारा पैसा लगेगा बीज से लेके, और पानी कितनी बार लगाना पड़ता है वो? ये रेशियो है कि 1 बीघे में, पक्का बीघे में 40,000 लगता है, और यदि 15 से 20 रुपये किलो के हिसाब से हरी मिर्च रही रेशियो से तो 1,25,000 रुपया दे के जाएगा। अच्छा, तो बेचने में कोई दिक्कत कहीं पर कैसे? नहीं, हम गाजीपुर में तो हमारे यहाँ पातालगंगा एक बाज़ार है, उस बाज़ार में बंगाल से लेके नेपाल, गोरखपुर, इधर लखनऊ, दिल्ली के व्यापारी आते हैं, और प्रतिदिन जो है कम से कम सीजन में 10 ट्रक तो वहाँ से हरी मिर्च जाता है। वहाँ बलिया, बिहार के बक्सर, सासाराम के किसान लेकर हरी मिर्च और टमाटर लेकर आते हैं। अच्छा सर, जैसे अगर कोई इधर का किसान लखनऊ से है या हरदोई से है या उधर से है, तो इन लोगों को अगर उधर ले जाना हो तो फिर उनका तो या उनके लिए कोई अलग विकल्प है क्या? नहीं, हरी मिर्च का बाजार तो हमको लगता है कि हर जगह उपलब्ध है। अच्छा, हरी मिर्च कोई ऐसा जिला मुख्यालय, जैसे सब्जी की बाजार हर जगह उपलब्ध है,
अब लखनऊ में ही जो मैं देखता हूँ, शाम को खुदरा मंडी लगती है तो सुबह होलसेल मंडी लगती है, तो किसान सुबह आकर होलसेल मंडी में बेचता है, वही खुदरा मंडी में दुकानदार खरीद कर ले जाता है और खुदरा मंडी में शाम को बेचता है, तो सब्जी के बेचने में तो कोई वो नहीं। आप बता रहे थे मिर्च के साथ सहफसली किया जाता है। हाँ, जैसे हरी मिर्च इस साल जो है बीच बीच में जो गलन हो गई, उसके लिए सहफसली के रूप में मैंने लहसुन लगवाया और कुछ हरी मिर्च में गोभी लगवाया। वो अब एक मिर्च से दूसरी मिर्च के बीच की दूरी 2 फीट होती है, तो यदि बीच के 2 पौधे गल गए तो हमारे 6 फीट हो गई। उस 4 फीट का हमने प्रयोग किया मेढ़ पर ही, उसमें लहसुन लगवा दिया। वो अभी लगवाया हूँ, वो 2 महीने में तैयार हो